दोस्तों हम वेट कर रहे थे कि कब नोकिया का ये फ़ोन इंडिया में आएगा, नोकिया 7.1 प्लस, क्योंकि इस फ़ोन में हमें कम प्राइस पे काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 710, डिस्प्ले भी ज़बरदस्त है फ़ोन का HDR10 सपोर्ट के साथ। अब दिक्कत यह है कि कब ये फ़ोन इंडिया में आएगा इसके बारे में कुछ खबर नहीं है, और जो खबर है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है नोकिया कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज है। अब आप खुद देखो, आपको इंडिया में मिल रहा है नोकिया का 5.1 प्लस मीडियाटेक हीलियो P60 के साथ 10999 में। ये बहुत ही अच्छा प्राइस है इस फ़ोन का। उसके बाद आता है नोकिया का 6.1 प्लस स्नैपड्रैगन 636 के साथ 15999 में। इसको भी हम बोल सकते हैं वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। फिर आता है हमारा नोकिया 7 प्लस स्नैपड्रैगन 660 के साथ। ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया गया था 25-26 हज़ार की रेंज में। ये तीनों स्मार्टफोन मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छे हैं प्राइस के हिसाब से। जो नोकिया 7 प्लस है उसका प्राइस भी पहले से कम हो चुका है। नोकिया ब्रांडिंग को देखते हुए हम इनको बोल सकते हैं वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। अब जो एक और फ़ोन आया था नोकिया का, नोकिया 7.1, उसको इंडिया में लाने की तैयारी हो चुकी है, जिसका प्राइस हो सकता है 30,000 के आसपास। अब ये रेट सुन के सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में आएगा कि इस फ़ोन में हमको मिलेगा स्नैपड्रैगन 660 से ऊपर का कोई प्रोसेसर। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इस फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 636, वो भी इस प्राइस पे। अब मैं मानता हूँ कि इसका कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले भी इसका अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इतना प्राइस नहीं बनता। एक तरफ आपका है नोकिया 7.1 प्लस 18-19,000 की रेंज में स्नैपड्रैगन 710 के साथ, और दूसरी तरफ हमें क्या मिलता है और किस प्राइस पे? हालांकि ये 18-19,000 चाइना का प्राइस है, इंडिया में थोड़ा सा ऊपर ही आएगा इसका प्राइस, लेकिन उतना ऊपर नहीं आएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आजकल हमको 25,000 से भी कम में मिल जाता है स्नैपड्रैगन 845, तो ऐसे में इसका क्या मतलब बनता है ये समझ के बाहर है। अब अगर हम ये सोचते हैं कि जो नोकिया का 7.1 प्लस है वो ऑनलाइन मार्केट के लिए है, और जो ये दूसरा है नोकिया 7.1 ये बना है ऑफलाइन मार्केट के लिए, तो भी इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से भी। डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो 5.84 इंच का डिस्प्ले है फुल एचडी प्लस वाला। रियर में आपको मिल जाएंगे ड्यूल कैमरा 12+5 मेगापिक्सल, और फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है 8 मेगापिक्सल का। कैमरा इसका काफ़ी अच्छा है, जिस ऑप्टिक लेंस आपको मिलते हैं इसमें। बैटरी आपको इसमें मिलती है 3060mAh की USB-C टाइप पोर्ट के साथ। अब अगर इस फ़ोन का प्राइस ठीक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है इस फ़ोन में बैटरी के अलावा, बैटरी इसकी थोड़ी कम है। तो यही है हमारा नोकिया। इस फ़ोन के बारे में आप बिल्कुल मत सोचना, ये फ़ोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, चाहे आपको ऑफलाइन लेना हो या ऑनलाइन लेना हो। बाकी आप बताओ मुझे कि क्या आप नोकिया 7.1 लेना पसंद करोगे 30,000 की रेंज में? उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।